दसवीं गांव की शकुंतला देवी पत्नी बसंत राम व लोहरगढ़ गांव की कमला देवी पत्नी रामानंद ने राम मंदिर निर्माण के लिए 1,35,200 रुपए की राशि समर्पित की। शकुंतला देवी का एक बेटा मोहनलाल इस अभियान में जिला कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहा है। दूसरा बेटा जिला सह कार्यभार के दायित्व का निर्वहन कर रहा है। तीसरा बेटा प्रधानाचार्य सुनील दत्त जो कमला देवी का दामाद है, वे परिवार की बेटियां वंदिता दत्त, डॉक्टर रितिका पल्लवी भी इस अभियान में घर घर जाकर राम मंदिर निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। परिवार का एक ही सपना है कि अयोध्या में श्री राम का भव्य राम मंदिर बने। पूरी दुनिया से लोग इसे देखने भारत आए। प्रधानाचार्य सुनील दत्त का मानना है कि भगवान और गुरु का स्थान सबसे ऊपर है, मगर इससे भी ऊपर है माता पिता का स्थान। यही कारण रहा कि घर के बुजुर्ग चाहते थे कि राम मंदिर में कुछ समर्पित किया जाए और आज परिवार ने ये राशि राम मंदिर निर्माण के लिए सौंपी। इस अवसर पर डॉक्टर चंद प्रकाश सह प्रांत कार्यबा हिमाचल प्रदेश नरेश जिला प्रचारक पंकज विभाग महामंत्री विश्व हिंदू परिषद परिवार के अन्य सदस्य प्रवक्ता सुनील दत्त अश्विनी सीमा देवी कुसुमलता सुषमा देवी भारती शर्मा नीलम देवी व बच्चे विवान अभय तनिष्का बीरेन वासुधर भी इस शुभ अवसर के भागीदार बने।